नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव से पहले योगी सरकार ने पेश किया 8479 करोड़ का अनुपूरक बजट। किसानों और बुजुर्गों के लिए खोला खजाना। 24 घंटे बिजली और काशी विश्वनाथ के लिए भी फंड का आवंटन। अजय मिश्रा पर दिल्ली से लखनऊ तक छिड़ा संग्राम। लोकसभा में हुई अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग, तो यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस ने किया जमकर हंगामा। सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में गठबंधन तय। अखिलेश यादव ने की चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात। 2022 यूपी चुनाव में चाचा भतीजा मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कार्यकर्ताओं में गठबंधन को लेकर उत्साह। यूपी के चंदौली में दर्दनाक हादसा। पेड़ से टकरा कर नहर में गिरी अनियंत्रित कार। हादसे में 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत। तिरुपति ज्वेलर्स लूट और गोलीकांड मामले में 2 लुटेरे गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने की कार्रवाई। व्यापारियों ने पुलिस का जताया आभार। फरार लुटेरों को जल्द पकड़ने की रखी मांग। और अब खबरें विस्तार से। जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग की, वहीं यूपी विधानसभा में भी सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने यही मांग उठाई। यूपी में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के सदस्यों ने लखीमपुर कांड की SIT जांच रिपोर्ट पर चर्चा कराने और गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग को लेकर वेल में आकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के एक भाग के लिए लेखानुदान पेश किया। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT की रिपोर्ट में किसानों पर जानबूझकर गाड़ी चलाने की बात सामने आने के बाद से बवाल जारी है। रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए पिटारा खोला है। सरकार ने 8479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए फंड का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। साथ ही 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉरपोरेशन को 10 अरब रुपए, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़ रुपए, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं सूचना विभाग को 150 करोड़ रुपए और यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये चीजें दिखाती थी सावधानी, सतर्कता, समय से लिए गए सटीक फैसले और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर नेतृत्व ने काम किया है तो उसके परिणाम भी उसी प्रकार से सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ इस देश ने जो लड़ाई लड़ी है, उत्तर प्रदेश उस लड़ाई में भी अग्रणी भूमिका के साथ देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलता रहा। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किए हैं। 9 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक संपन्न हुए हैं। मुझे याद है जब कोरोना का पहला मरीज आया था प्रदेश में, हमारे पास कोई लैब नहीं थी। हमने दिल्ली सफदरजंग में या फिर नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सैंपल भेजने पड़े थे। उपचार के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी 75 जनपदों में आरटीपीसीआर लैब भी है, पुणे मशीन भी मौजूद है, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था भी है। और जिस प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले कोरोना जांच के नाम पर एक भी जांच करने की क्षमता नहीं थी, वह प्रदेश आज 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना का पहला मरीज आया था तो सुसमय 36 जनपद ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू का बेड नहीं था। बहुत सारे लोगों ने प्रदेश के अंदर शासन किया होगा, लंबे समय तक शासन किया है, कुछ लोगों ने कई दशकों तक शासन किया, कुछ लोगों ने 4 बार, कुछ लोगों ने 3 बार प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाई किया किया। 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं मौजूद थे। आज प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स मौजूद हैं। वहीं यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के फैसलों को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। दो बिल पेश किए गए हैं, जहां तक सेकंड सप्लीमेंट्री का सवाल है, उसमें खास तौर से जो प्रस्तावित है वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, जो हम विद्युत प्रयोग करते हैं उसके लिए, इसके साथ वृद्धावस्था, विकलांग और निराश्रित महिला पेंशन के लिए विशेष रूप से बजट रखा गया। लगभग 8,400 करोड़ रुपए का ये बजट प्रस्तावित किया गया है सेकंड सप्लीमेंट्री, और ये खास तौर से जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए किया गया। जो अंतरिम बजट है वो अंतरिम बजट ये 4 महीने का लेखानुदान विधानसभा से मांगा गया। वहीं लखनऊ में विधानसभा सत्र के बाद यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी पत्रकारों से मुखातिब हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के फैसलों को लेकर जानकारी साझा की। अगर आज आप विधान परिषद में सुनते तो माननीय समाजवादी पार्टी के भी एक सदस्य ने मोदी जी के प्रशंसा में एक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, प्रस्ताव पारित कराया था कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जिस प्रकार से विकास हुआ है तो मोदी जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। और उससे अगर आप देखेंगे तो तमाम लोगों के जो दिल में है, वो दल में चाहे जिसे हैं, वो हमारे विकास को आज मान रहे हैं और विकास की हमारी प्राथमिकता, क्योंकि यही हमारा मुद्दा है। दूसरों का मुद्दा जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, संप्रदायवाद है, और उसके आधार पर वो जोड़ घटाना बुरा करते हैं और आपस में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। MIM, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब आपस में लड़ रहे हैं और दूसरे तीसरे चौथे स्थान के लिए इनका संघर्ष है कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था BSP और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया, तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और सपा में गठबंधन तय हो चुका है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की। शिवपाल को सपा कितने टिकट देगी यह तय नहीं हो पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल समर्थकों को 15 टिकट दिए जाएंगे। वहीं इस गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। ये साफ हो गया है कि चाचा और भतीजा अब एक ही रथ पर सवार होकर 2022 चुनाव में कमान संभालेंगे। वहीं इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके गठबंधन और मुलाकात को लेकर जानकारी साझा की।
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अब चाचा भतीजा की जोड़ी मैदान में उतरने वाली है, ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी साझा की है। चाचा और भतीजे की मुलाकात हुई है। सपा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की खबरों पर मुहर लगती नजर आ रही है। तो वहीं गठबंधन की खबरों से अब कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। 2022 के चुनाव प्रचार के दौरान एक ही रथ पर चाचा भतीजे की जोड़ी अब नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद ट्वीट कर जानकारी साझा की है। चाचा भतीजा की सियासी लड़ाई अब सुलह की ओर जा रही है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद ट्विटर पे फोटो साझा की है, जानकारी साझा की है, जिसके बाद 2022 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता निहाल पांडे। निहाल, क्या कुछ अपडेट निकल करके सामने आ रही है? जैसा जानकारी सामने आई है, चाचा भतीजे की जोड़ी फिर से 2022 के चुनाव प्रचार में चुनावी रथ पर नजर आने वाली है। जी, आपको बता दें आशीष कि 2022 के चुनाव नजदीक आते आते अखिलेश और शिवपाल चाचा दोनों एक साथ आज उनके निवास से गठबंधन हो गया है और उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करके जाहिर कर दिया है कि 2022 के चुनाव एक साथ लड़ेंगे। और साथ ही आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर के साथ भी अखिलेश यादव ने गठबंधन कर चुके थे इसके पहले, और छोटे छोटे दलों से के साथ गठबंधन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को एक बड़ा लॉस का पॉइंट बन सकता है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले चुनाव में देखा गया कांग्रेस के साथ में सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और अब कांग्रेस भी सामने होगी सपा के, तो वहीं बसपा भी सामने होगी, तो वहीं चाचा भतीजे की जो सियासी लड़ाई थी अब सुलह की ओर जा रही है। चाचा भतीजे की जोड़ी कितनी कारगर नजर आ रही है वहां पर? जी आपको बता देगा अब इसी के बाद तय होगा, जब अभी थोड़ी देर बाद शिवपाल अपने कार्यालय जाएंगे और कहीं ना कहीं मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कुछ जो बातें अंदर की हुई है उनसे मीडिया के सामने रूबरू करेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे लखनऊ संवाददाता निहाल पांडे, जिन्होंने बताया कि चाचा भतीजे की जोड़ी अब फिर से 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में एक ही रथ पर सवार हो सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा पत्रकारों से अभद्रता का वीडियो सामने आने के बाद उनके इस्तीफे को लेकर मांग तेज हो गई है। वहीं संसद में भी इस मामले को लेकर हंगामा हुआ। इधर जालौन में राज्य मंत्री बाबूराम निषाद का कहना है कि केंद्रीय मंत्री किसी के साथ अभद्रता कर ही नहीं सकते। मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उसका प्रचार प्रसार, कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन, कार्यकर्ताओं इस स्तर पर यात्रा चलेगी और निश्चित रूप से जालौन और उरई जनपद की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा और विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से और आशीर्वाद यहां की जनता ने दिया है। हम पुनः अच्छा काम करके समाज के बीच में खड़े हुए हैं और चुनाव जब सन्निकट है तो फिर हम जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनपद के आम निवासी का विश्वास हासिल करने के लिए। लखनऊ पुलिस ने तिरुपति ज्वेलर्स लूट और गोलीकांड के मामले में दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को लेकर यूपी आदर्श व्यापार मंडल ने संतोष जताया है और फरार लुटेरों को जल्द पकड़ने और लूटा गया माल जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की है। आपको बता दें कि अलीगंज के सराफा व्यापारी तिरुपति ज्वेलर्स के यहां पिछले सप्ताह इस लूट को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर व्यापारी लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे।
उसको छीन कर भागने के जब प्रयास किया तो एक व्यक्ति उससे पहले स्टोर रूम में जा चुके थे, जो इनका मेन लॉकर रूम था, जिसमें से ये लोग अपने जो स्टॉक के सामान होते थे वो रखते थे, उसमें जाकर वहाँ से सामान निकालने लगा। और एक व्यक्ति द्वारा उसको जब दबोच लिया गया इनके कर्मचारी द्वारा, तो उसके पश्चात शेष दो व्यक्ति भी अंदर प्रवेश किए और फिर गोलीबारी हुई। करीब 4 से 5 राउंड फायर हुआ है, जिसमें हम लोग को दो फायर से उसके घायल के शरीर में मिला, हम लोगों को उसके बुलेट्स भी मिले, शेष और भी बुलेट्स जो है, दो बुलेट्स हम लोग को बाहर मिले, एक जिंदा कारतूस बाहर मिला जो फायर नहीं हुआ था। तो उसके पश्चात वही दोनों लोग अलग अलग दोनों बाइकों में निकल गए थे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां बबूरी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इन 4 युवकों में से 3 सगे भाई थे। भरकुड़ा गांव के पास सड़क पर जा रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिससे कार सवार मिर्जापुर के 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुखू यादव, बलिराम प्रजापति, गंगा सागर और विद्यापति प्रजापति के रूप में हुई है। इधर 4 युवकों की मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृतक के परिजन सूचना के बाद चंदौली रवाना हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह देवरिया में पूर्व विधायक प्रमोद सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो वहीं इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी परिवार के लिए नहीं बल्कि देश और समाज के लिए राजनीति करती है। जिस श्रीनगर के चौक पर आजादी के 70 वर्षों बाद तक कोई भारत का झंडा नहीं फहरा सका, वहां नरेंद्र मोदी ने भारतीय ध्वज फहराने का काम किया है, तो वहीं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और माफिया जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। बरसते पानी में मां की आंचल में छिपने वाला देश का नेतृत्व कर रहा विद्रोह परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं था, लेकिन सभी का पक्का बंटांगिया मुसार थारू का पक्का मकान राजस्व ग्राम में देना मित्रों कोई मामूली बात है? आप कल्पना नहीं कर सकते मित्रों, और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना कोई मामूली बात नहीं मित्रों। आप 5 काम कर लेना, बाकी काम मोदी योगी पर छोड़ देना। करोगे 5 काम पक्का? शाम को माता पिता का मालिश करो, शाम को 5 मिनट के लिए अपने माता पिता के चरणों में बैठो। दूसरा काम, अपने नन्हे मुन्ने बेटों से कभी जीवन में गुटखा मत मंगाना। पेट काट के पढ़ाना। तीसरा, बेटी पत्नी मां पर कभी हाथ मत उठा देना। चौथा, छोटी छोटी बातों के लिए, दीवार के लिए, चबूतरा के लिए, एक बिस्वा जमीन के लिए भाई भाई या गांव वाले आपस में लड़ना बंद कर दो। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित संयुक्त जिला अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की। अधिवक्ता अस्पताल में महिला डॉक्टर की बदतमीजी से बेहद नाराज थे। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने बार अध्यक्ष से अपशब्दों का प्रयोग किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।